वेलकम बैक एवरीवन। आज जो वीडियो ट्रायल पर है वो है बिलाल खान की, बड़ा ही आला गाना है। और मैं समझता हूँ जितने भी नए आर्टिस्ट आ रहे हैं अभी, उसमें बिलाल खान स्टैंड आउट करते हैं अपने म्यूज़िक की वजह से। बचाना गाना आपको 100% याद होगा, और ये वाहिद आर्टिस्ट है जिसके पर मतलब ठीक ठाक बच्चियाँ लाइने वाइने करा रही है, सीन है। तुम क्या बच्चियों में आते हो या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने से लाइन कराई जैसे शर्मा रहे हो? नहीं नहीं लेकिन यार सही है, अगर कोई भी मेल पर्सनालिटी अगर आती है लाइन के अंदर तो सही है, उसको अगर फीमेल ही अट्रैक्ट करे तो ज्यादा बेहतर होता है, ना कि मेल करें। क्योंकि तो क्या मेल करते हैं? नहीं 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 ऐसा नहीं है, फीमेल ही करते। क्लास की सारी फीमेल मरती है तुम पे? सारी तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत हद तक एक आदमी नहीं, थोड़ी ज्यादा यार, एक आदमी नहीं। अब बात करेंगे लेकिन पहले बिलाल खान से बात करते हैं। बिलाल खान को कॉल मिलाए। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से यार, बड़े अरसे बाद गाना आया और बड़ा ही आला गाना निकाला है आपने। तो पहले तो मुझे बताओ वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है? जितने लोग भी देख रहे हैं उन्होंने हर एक ने अपनी अपनी कोई ना कोई स्टोरी बनाई है, आपने क्या स्टोरी रखी है? बेसिकली डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट था अब्दुल्ला हारिस का, और वो गाने की थीम के साथ जाते हुए उन्होंने देखा है कि इट्स अबाउट एक बंदा, या मतलब इसमें एक मैनिक्विन दिखाया है और उसकी रिफ्लेक्शन सॉर्ट ऑफ दिखाई कि वो इमेजिन कर रहा है अपने हेड में कि मतलब एक सेल्स गर्ल है स्टोर के अंदर, तो उसके ऊपर बेसिकली बेस्ड है कि वो इमेजिन कर रहा है कि अगर वो लड़की अगर वो रियल होता तो बनी भी उसको दिखाया कि वो इतनी खूबसूरत है कि बेजान मुजस्मे में भी वो दिल की धड़कन बढ़ा रही है। जी कुछ ऐसा कौन तो बताएं आप वीडियो से कितनी हद तक सेटिस्फाई हैं? लेकिन ऑन एन आर्टिस्टिक लेवल मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड था, बिकॉज मैं जब इस वीडियो को बना रहा था मैं अंडरस्टैंड कर रहा था कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा लोगों को समझना, क्योंकि मुझे खुद देर लगी समझने में, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं कुछ थोड़ा सा आर्टिस्टिक काम भी करूँ रादर देन कि वो टिपिकल वो एक लड़का हो एक लड़की हो या मैं बस गा रहा हूँ गिटार लेके, तो मैं कुछ थोड़ा सा चैलेंजिंग कुछ थोड़ा सा यू नो थॉटफुल सा कोई इसका कॉन्सेप्ट हो, तो वेयर द कॉन्सेप्ट इज कंसर्न्ड आई थिंक आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड। नहीं ओवरऑल इंपैक्ट बहुत अच्छा आ रहा है आपका। तो मुझे ये बताएं बिलाल के कोई भी अगर कॉन्सर्ट्स के लिए अप्रोच करना चाहे बिलाल खान को तो किस तरह कर सकता है? वो मैनेजर हैं डीजे मैक्स, ठीक है, उनसे वो बात कर सकते हैं। उनका नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। उनका नंबर अभी मुझे जुबानी तो नहीं याद है लेकिन ईमेल एड्रेस है हमारा, बता दें, बिलाल खान केक BILALKHANGIG@gmail.com। ठीक है ठीक है बिलाल, थैंक यू सो मच आपके टाइम का और बहुत ही आला। इसमें अच्छा फीमेल मॉडल कौन है इसमें? इसमें ज़ारा पीरज़ादा। ज़ारा पीरज़ादा, और जो जिसने वीडियो डायरेक्ट की है वो उसकी ये पहली वीडियो है? नहीं उन्होंने पहले अली जफर की थी जी ढूंढता है। अच्छा ठीक है ठीक है, जबरदस्त, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, अल्लाह हाफिज। ये थे बिलाल खान ले, और अभी आपको सिर्फ ये बता दूंगे आप में से कोई भी वीजे बन सकता है। ARY म्यूजिक खुली अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ना लाइनों में लगना है ना ऑडिशन देने, सिर्फ BOT@ARYMusic.tv पे दो तस्वीर और कॉन्टैक्ट नंबर भेज देना है। ये शो इतना सिंपल भाई इसलिए बनाया गया है कि आप आके इसमें कुछ करें, मेरा इसमें कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ आपके और चैनल के दरमियान ब्रिज हूँ कि आपको लाके यहाँ बिठा दूँ। बहुत कोई टैलेंटेड होगा तो परमानेंट वीजे बन जाएगा यहाँ का, वरना शॉर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बताएं वीजे भाई? अच्छा अब फिलहाल हम लोग इस टाइम पे आके जो है अब थोड़े बहुत बाकी कमेंट्स बचे हैं उन कमेंट्स की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो है मैं थोड़ी सी डिटेल और देना चाहूँगा कि वीडियो के अंदर यार सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, उनका नाम भी लेना ज़रूरी है, आप लोगों को भी पता चले कि ओके नाम मैं बता चलूँगा। आर्ट डायरेक्टर जो इसके अंदर है वो तनवीर है, फातिमा और रहमान भी हैं, साथ साथ हेयर स्टाइल और मेकअप जहाँ पे इनकी जो बात है तो वहाँ अगर हम आते हैं तो उसके अंदर रिदा और सोनू का बहुत बड़ा हाथ, और क्रिएटिव टीम जो मेकअप और हेयर स्टाइल की थी वो डिप्लेक्स की थी। साथ साथ इसके DOP जिसको डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी कहा जाता है वो थे रिस, और इनमें से कोई थे नहीं, सबकी मरहूम हो गए, नहीं नहीं मर गए नहीं,
सब हैं एक्चुअली। बहुत सारे लोगों ने अभी देखा भी नहीं होगा इन लोगों को, मैंने खुद भी नहीं देखा भी बहुत सारे लोगों को। जब भी तो इतने इस तरह बता रहे थे वीडियो में मैं खड़ा हुआ था, इनका हाँ, बहुत बड़ा हाथ है माशाल्लाह, क्या काम किया उसने, क्या काम किया, वाह वाह माशाल्लाह। अबे भाई सीधा नाम बता दे। हाँ, ठीक है ओके। तो ये सब इनके नाम थे, साथ साथ बिलाल खान की हैं, सॉरी हैं। और अगर मैं बिलाल खान की तरफ, बिलाल खान की बायोग्राफी की तरफ आ जाऊं, तो बिलाल खान की बायोग्राफी आ जाएंगे, पहले कमेंट्स लगा दें, लंबी हो गई काफी। आपका नाम? फरियाल। क्या करती हैं? मैं बीसीए कर रही हूं। कहां से? यहीं से, सीएमए। सो फरियाल, आपको मैं वीडियो ऑन ट्रायल की तरफ से आया, मेरा नाम बिलाल है और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा इस वक्त, और उस वीडियो देखने के बाद आपको उस वीडियो को रेट करना है, ऑडियो को अलग और वीडियो को अलग। तो कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो इट वाज नाइस बट। क्या अच्छा लगा आपको वीडियो? इसके जो उन्होंने सीन लिए हैं वो अच्छा लगा मुझे बेसिकली। अच्छा, और अगर वीडियो को आप नंबर देना चाहें 0 से 100 तक तो कितने देंगी? 80। और अगर ऑडियो को? ऑडियो को 90। क्या नाम है आपका? सैयद हैदर हुसैन। हैदर, क्या करते हो आप? मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ और यहाँ पे MS कर रहा हूँ PF फील्ड में, टेलीकॉम नेटवर्क्स में। इस वक्त हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं और वीडियो के अंदर आपको उस वीडियो को देखना है और उसके बाद आपको उसके ऑडियो को अलग और वीडियो को इंडिविजुअली जो है आपको दोनों को रेट करना है 0 से 100। तो कैसी लगी आपको वीडियो? वेल, वीडियो भी अच्छी थी और लिरिक्स मतलब जो साउंड ट्रैक था अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा वो इस जो स्लो के बाद एकदम स्पीड में आया, लेकिन वीडियो का जो ट्रैक था, वीडियो थी वो उसी स्लो ट्रैक पे चल रही थी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि वीडियो ऑडियो मैच करते हैं या नहीं? हाँ, वीडियो और ऑडियो मैच कर रहा है। अगर आप मजीद इसको सुनेंगे और आगे जिस तरह की स्टोरी उसने चलाई है तो वो आगे जाके दोनों एक दूसरे पैरेलल हो जाएंगे। अच्छा, अब तो टाइम आ चुका है यार आपको रेट करने के लिए, तो आप वीडियो कितना रेट करोगे 0 से लेके 100 तक? वीडियो 80 और ऑडियो? ऑडियो 75। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिलाल और मैं हूँ आपका आज का वीजे। अगर आप चाहते हैं मुझे वोट करना और आप चाहते हैं मैं आपका परमानेंट वीजे बन जाऊँ वीडियो ऑन ट्रायल का, तो प्लीज़ 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 मुझे वोट कीजिएगा। वोट करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप हमारे फेसबुक के ऊपर वीडियो ऑन ट्रायल के पेज पे जाएंगे, वहाँ मेरी वीडियो होगी और उस वीडियो के ऊपर आपको कमेंट में मुझे वोट करना है, दैट्स इट। चलें, अब आप जहाँ से कर रहे थे ना। ओके, अच्छा जी, तो बिलाल खान की जो बायोग्राफी है, बिलाल खान ने अपना फ्यूचर स्टार्ट किया था लम्स यूनिवर्सिटी से और 2010 में उन्होंने अपना सॉन्ग रिलीज किया था बचाना। लम्स से क्यों स्टार्ट किया था? डायरेक्ट पैदा होती लम्स में आ गया था, मॉन्टेसरी में गया होगा, स्कूल में गया होगा। नहीं, वो तो सही है, बायोग्राफी। अब उससे फिर शुरू से आता है पैदाइश कहाँ की है, कितने साल की है, बोलो। मैं आधी बायोग्राफी बता रहा हूँ मैं इनकी, जितनी मुझे मिली है वेबसाइट पे, गूगल पे जितनी मुझे मिली है मैं उतनी बता रहा हूँ। साथ साथ इसके अंदर इनकी जो अपनी कह सकते हैं आप, इनकी जो पर्सनल और इनकी एक तरह से कैरियर जो इनका जहाँ से शुरू हो रहा है वो लम्स से इन्होंने शुरू किया था। साथ साथ लम्स के साथ ये ठेला भी लगाते थे। नहीं, ठेला वेला नहीं लगाते थे भाई, आगे भी तो ओके। और इसके बाद जो है 2010 के अंदर इनको जो है वो बचाना जो इनका सॉन्ग था उसको बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला था 2010 के अंदर। साथ साथ अभी रिसेंटली बिलाल खान ने जो है कोक स्टूडियो के अंदर अपने 2 सॉन्ग्स भी गाए हैं, जिसका नाम एक तो क्या हुआ था और एक लम्हा था। तो क्या हुआ मुझे काफी पर्सनली काफी पसंद है, काफी सारे फ्रेंड्स को भी पसंद है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी काफी पसंद आया होगा। लम्हा भी अच्छा था, इसका मतलब ये नहीं कि लम्हा अच्छा नहीं था, लम्हा बहुत अच्छा था, लेकिन तो क्या हुआ कि तो बात ही अलग। अबे कितनी लंबी करता है यार तू, डायरेक्ट पॉइंट पे यार लोगों को बोलने दे, छोटी कर ले थोड़ी, मतलब मुख्तसर। देखो, वीजी होता है दरिया को कूजे में बंद करना इन अ नटशेल, ठीक है? तो बस उसको ना छोटा, इनके साथ साथ हम थे उसके साथ साथ, अबे लम्स के साथ साथ और क्या करेगा वो, ठीक है? अच्छा, ये हंसी खतरनाक है। सॉरी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अभी हम बात करते हैं जारा से, जो फीमेल मॉडल है उनको कॉल मिलाओ। अस्सलाम वालेकुम जारा, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि आपका वीडियो का ओवरऑल एक्सपीरियंस बुरा तो ऑब्वियसली नहीं, कोई भी कहता कि हमारा बुरा रहा है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जो स्टोरी लाइन थी आपको डायरेक्टर ने बताई बिलाल खान के वीडियो में, उसके बारे में थोड़ी चीजें शेयर करो यार। हर कोई अपने वेमेंस को इंटरप्रेट कर सकता है,
सकता है. It was really fun because Bilal was really fun to hang out with. So fine, and he kept the mood light, and you know, it was fun. It was an overnight shoot at the store, so that was also a funny aspect of it, spending a night at the store like that. But overall, it was interesting because there were so many different things. Ek haath pe mannequin bane the, ek haath pe, you know, there's so much to express. So it was really, it was a good experience. ठीक है. अच्छा ज़ारा मुझे ये बताओ कि आपकी ये पहली वीडियो है. हाँ जी, इट्स माय फर्स्ट वीडियो. अच्छा, तो ये आप प्रोफेशनली आप आगे करना चाह रही हैं या बस आपने बोला नहीं यार बस ये बस ठीक है बिलाल दोस्त था तो इसलिए कर दी. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच आपका. थैंक यू. ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट, तो इस वक्त चलते हैं हम एक ब्रेक की तरफ. बहुत ही छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक से वापस आएंगे, उसके बाद बात करेंगे डायरेक्टर से भी वीडियो के, जो के थे अब्दुल्ला हारिस. तो तब तक के लिए चलते हैं एक छोटे थे क्यों सॉरी 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 हैं एक छोटे से डायरेक्टर है हमारे, छोटे से नहीं है, बहुत बड़े से डायरेक्टर है और छोटी सी ब्रेक है हमारे पास. तो ब्रेक ले ले, तब तक चलते हैं ब्रेक की तरफ. सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक.